वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के YouTube चैनल में खुश आमदी। इस वीडियो में हम आपको YouTube पर वीडियोस देखने के तजुर्बे को बेहतर बनाने के हवाले से तीन अहम सेटिंग्स के बारे में रहनुमाई फराहम करेंगे। नंबर एक, वीडियो क्वालिटी। नंबर दो, क्लोज कैप्शन CC। और नंबर तीन, प्लेबैक स्पीड। सेक्शन वन, वीडियो क्वालिटी। जब आप YouTube पे वीडियो देख रहे होते हैं तो आपने ये अक्सर महसूस किया होगा कि वीडियोस चलते चलते रुक जाती है और बफरिंग का आइकन घूमता हुआ दिखाई देता है, जिससे देखने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसकी बुनियादी वजह आपकी डिवाइस और इंटरनेट स्पीड हो सकती है। इस सेक्शन में हम वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं। इस सेटिंग के जरिए आप अपनी डिवाइस और इंटरनेट स्पीड के मुताबिक वीडियो रेजोल्यूशन को एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेप वन, वीडियो देखते वक्त YouTube वीडियो प्लेयर के दाएं जानिब निचले कोने में मौजूद सेटिंग्स के गियर व्हील आइकन पर क्लिक करें। आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ क्वालिटी के सामने मौजूद एरो पर क्लिक करें। आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें आप वीडियो क्वालिटी की मुख्तलिफ ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे कि फुल HD 1080p से लेके बेसिक 144p तक। स्टेप टू, अगर आप चाहते हैं कि YouTube खुद ब खुद वीडियो रेजोल्यूशन को एडजस्ट करे, तो ऑटो की ऑप्शन को मुंतखब करें। इस ऑप्शन को मुंतखब करते ही YouTube खुद ब खुद आपकी इंटरनेट स्पीड के मुताबिक बेहतरीन क्वालिटी को एडजस्ट करेगा। स्टेप थ्री, आप खुद भी अपनी मर्जी के मुताबिक लिस्ट में से एक मखसूस रेजोल्यूशन मुंतखब कर सकते हैं। याद रहे, बेहतरीन क्वालिटी में वीडियो को बगैर बफरिंग के देखने के लिए आपके पास तेज स्पीड वाले इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है। सेक्शन टू, क्लोज कैप्शन CC। YouTube के इस फीचर की मदद से आप वीडियोस को किसी भी जबान में देख सकते हैं। YouTube वीडियो प्लेयर के दाएं जानिब निचले कोने में मौजूद CC या क्लोज कैप्शंस आइकन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको YouTube की ऑटो जनरेटेड ट्रांसलेशन दिखाई देना शुरू हो जाएगी। CC आइकन के साथ मौजूद सेटिंग के गियर व्हील आइकन पर क्लिक करें। यहां आपको सबटाइटल / CC की ऑप्शन दिखाई देगी। शुरू करने के लिए ऑटो जनरेटेड के साथ मौजूद एरो पर क्लिक करें। एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। ऑटो ट्रांसलेट पर क्लिक करें। आपके सामने दुनिया भर की जबानों की एक फहरिस्त खुल जाएगी। फहरिस्त में से अपनी मादरी या कोई भी जबान मुंतखब करें। जबान का इंतखाब करते ही वीडियो पर आपको अपनी मुंतखब की हुई जबान में कैप्शंस दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो कैप्शंस को अपनी मर्जी के मुताबिक भी तरतीब दे सकते हैं। इसके लिए सबटाइटल / CC मेन्यू में मौजूद ऑप्शंस पर क्लिक करें। यहां आप फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, विंडो कलर, करेक्टर एज स्टाइल और फॉन्ट ओपेसिटी को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। सेक्शन थ्री, प्लेबैक स्पीड। आखिर में प्लेबैक स्पीड की बात करते हैं। इस सेटिंग की मदद से आप वीडियो को स्लो या फास्ट किसी भी स्पीड पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग के गियर व्हील आइकन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक मेन्यू ओपन होगा। प्लेबैक स्पीड के सामने मौजूद एरो पर क्लिक करें। आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ आप मुख्तलिफ स्पीड ऑप्शंस को देख सकते हैं, जैसे 0.25, 0.5, 0.75 नॉर्मल, 1.25, 1.5, 1.75 से लेकर 2x तक। स्टैंडर्ड स्पीड पर वीडियो देखने के लिए नॉर्मल की ऑप्शन मुंतखब करें। याद रहे कि YouTube हमेशा स्टैंडर्ड स्पीड पर ही वीडियोस दिखाता है। किसी और स्पीड पर वीडियो देखने के लिए आपको लिस्ट में से किसी मखसूस स्पीड का इंतखाब करना होगा। कॉम्प्लेक्स फ्यूजिबल नहीं है। इसी तरह फैट्स जो हैं, दे आर नॉट डिफ्यूजिबल और वो सेल का हिस्सा बन जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो सेल एसिमिलेट करता है
इन तमाम सब्सटेंसेस को जो उसने अब्सॉर्ब किया और वो फिर सेल का हिस्सा बन गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये नहीं लेंगे तो हमारा सेल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये नहीं लेंगे तो एनर्जी नहीं बनेगी। उम्मीद है कि अब आपको वीडियो क्वालिटी सेटिंग्स, अपनी नेटिव लैंग्वेज में क्लोज कैप्शंस के साथ वीडियो देखना और प्लेबैक स्पीड मुंतखब करने के हवाले से आगाही हासिल हो चुकी होगी।